हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को बस 2 मिनट आपको देखना है। अगर 2 मिनट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम समझते हैं वीडियो में या नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि समीकरण कुछ इस प्रकार से है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x - y = 4। ठीक है, ये 2 समीकरण है, एक समीकरण फर्स्ट और एक समीकरण सेकंड है। तो इसको दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इस 2 समीकरण में से किसी एक समीकरण को ले लेना है और इसको समीकरण थर्ड बना लेना है। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए दिखाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है, चलिए मैं समीकरण फर्स्ट लेता हूँ, लिखूंगा कि समीकरण फर्स्ट फर्स्ट को तोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट को तोड़ के समीकरण थर्ड बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट है। तो इसको क्या करेंगे, x चाहे y एक को बाहर रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए x को मैं बाहर रख लेता हूँ, x बराबर क्या हो जाएगा 5, और ये y जो प्लस y है ये बराबर से उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। इतना काम आपको करना होगा, ये समीकरण थर्ड हो गया। समीकरण थर्ड बनाने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, ये जो x का मान आया है 5 - y, ये जो समीकरण थर्ड है, ये समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट को तोड़ के अगर थर्ड बनाए हैं तो समीकरण सेकंड में बैठाएंगे, क्योंकि ये जो x का मान है समीकरण सेकंड में बैठाएंगे, क्योंकि फर्स्ट को तोड़ के हम थर्ड बनाए हैं। तो समीकरण सेकंड में कैसे बैठाएंगे, तो चलिए लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड क्या है दोस्तों, 2x - y = 4, यही है ना समीकरण सेकंड। तो x के स्थान पे ये जो समीकरण थर्ड निकला है वह बैठा देंगे 5 - y। तो कैसे बैठाएंगे, ये जो 2 है 2, और x के स्थान पर लिख देंगे समीकरण थर्ड का मान, x आया है ना 5 - y, तो वही 5 - y लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो है -y और बराबर 4 कर देंगे। इतना काम आपको करना है, ठीक है। इसके बाद इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए 2 × 5 = 10, और 2 से -y का गुणा करेंगे तो -2y, और ये फिर -y है बराबर 4। इतना तो हो जाएगा, इतना बात आप समझ रहे होंगे। इसके बाद y वाला को y वाले के साथ जोड़ या घटाओ जो करना है वो कर लेंगे, लिखेंगे 10 - 2y और -y क्या हो जाएगा, -3y, क्योंकि दोनों माइनस में रहता है तो जोड़ा जाता है, और बराबर 4, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, -3y ये जो 10 को बराबर से उस साइड लेके चला जाएंगे, क्योंकि एक जाति वाले के साथ उसको जोड़ या घटाओ किया जाता है, तो बराबर 4, और 10 को बराबर से उस साइड ले जाएंगे तो ये जो प्लस में है तो माइनस में 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -3y = -6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 6, और ये जो 3 है ये बट्टा में चला जाएगा, तो 3 से 6 2 मरत में कटेगा तो वाई बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गएंगे। अब इस वाई का मान जो नया समीकरण थर्ड बनाए थे उसमें बैठा देंगे तो x का मान आ जाएगा। समीकरण थर्ड किया था, समीकरण थर्ड था तो x बराबर 5 - y, ठीक है। तो y का मान कितना आया है, y का मान 2 आया है, तो x बराबर लिखेंगे 5 - y के स्थान पे 2 लिख देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो वही हो गया x बराबर 3 और y बराबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का मान इसी प्रकार से निकाला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा, चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो आप पूरा तरह से अच्छी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 2x + 3y = 6 और x + y = 3, यानी कि एक समीकरण फर्स्ट है और दूसरा समीकरण सेकेंड है। तो इसमें क्या करना होगा, वही बात, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी को एक को तोड़ के समीकरण थर्ड बना लेना है। तो चलिए मैं समीकरण सेकेंड को तोड़ देता हूँ, तो लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड को तोड़ने पर, समीकरण सेकेंड है x + y = 3, तो इसमें x चाहे y को बाहर रख लीजिए, किसी को रख सकते हैं, तो चलिए इस बार y को बाहर रखते हैं, तो लिखेंगे कि y बराबर 3, और ये जो x प्लस में बराबर से उससे चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। तो y का मान जो आया है दोस्तों 3 - x, यही मान जो है समीकरण सेकंड को तोड़े थे, तो आप समीकरण फर्स्ट में मान बैठाएंगे समीकरण थर्ड का, क्योंकि जिसको तोड़े होंगे उसमें मान नहीं बैठाएंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट
फर्स्ट में वाई का मान रखने पर, तो वाई का मान है दोस्तों 3 - x, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट यही है ना, 2x + 3y = 6, तो लिखेंगे 2x + 3y = 6। तो 2x + 3y का मान क्या आया था, 3 - x, तो y के स्थान पे 3 - x बैठा देंगे बराबर 6, यही ना। तो 2x+ इसको जो है गुना कर देंगे, तो 3 से करेंगे दोनों को गुना, तो 3 * 9 - 3x यही ना हो जाएगा बराबर 6। तो दोनों x वाले को जोड़ घटाओ कर लेंगे, तो 2x में से -3x जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x बच जाएगा, अब +9 = 6 यही ना होगा। इसके बाद -x ये 9 को बराबर से उस साइड ले जाएंगे क्योंकि दोनों एक जैसा वाले को घटाएंगे, तो -x बराबर क्या हो जाएगा 6, और ये 9 जो है प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा यही ना। तो हो जाएगा -x = 6 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो -- कट गया तो x = 3 आ गया। जब x का मान अगर 3 निकल गया दोस्तों, तब y का मान निकालना है, कैसे लिखेंगे कि x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड क्या था दोस्तों, यही ना था y = 3 - x, y = 3 - x यही था। तो y = 3 - x के स्थान पे 3 बैठा देंगे क्योंकि x का मान 3 आया है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x बराबर 3 आया था। तो दोस्तों उसी प्रकार से समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। दोस्तों चलिए एक और आपको करके दिखाते हैं, तो आप पूरा पूरा समझ जाएंगे। अगला समीकरण है दोस्तों 3x + 2y = 9 और x - y = 8। तो इसमें एक समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है, तो उसी प्रकार से उसको भी करना है, क्या करना है, किसी एक को तोड़ करके समीकरण थर्ड बना लेना। तो दोस्तों चलिए इसमें समीकरण फर्स्ट को ही तोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को तोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट है दोस्तों 3x + 2y = 9 यही है ना। तो x चाहे y का किसी को बाहर रख सकते हैं, तो चलिए मैं x का बाहर रख लेता हूँ, तो लिखेंगे 3x = 9, और ये जो y है तो +2y है, तो इसको बराबर से उस साइड जाएगा तो -2y हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर लिखेंगे 9 - 2y, ये जो 3 था ये बट्टा में चला जाएगा, ठीक है, इतना बात तो समझ रहे होंगे। अब हो गया ये समीकरण थर्ड, अब लिखेंगे कि समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में बैठाने पर, क्योंकि समीकरण फर्स्ट को तोड़े थे, तो अब समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में बैठाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड का मान सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड है दोस्तों x - y = 8 यही है ना, x - y = 8। तो x का मान कितना आया है समीकरण थर्ड में, x = 9 - 2y / 3, तो x के स्थान पर यही बैठा देंगे समीकरण थर्ड का मान, तो क्या हो जाएगा x के स्थान पर 9 - 2y / 3 - y = 8 यही ना हो जाएगा, ये y वाला है। तो अब बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लेंगे, y के बट्टा में 1 दे देंगे, इसका LCM 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 - 2y यही ना, और 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 होगा, तो ये हो जाएगा -3y यही ना होगा = 8। अब देखिए 9 - 2y - 3y कितना हो जाएगा -5y / 3 = 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा 9 - 5y = 24 यही ना। तो वाई वाले को बाहर रख लेंगे, तो -5y = 24 - 9 यही ना होगा, तो -5y = 15। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y = 15 - 5, तो 5 से कट जाएगा, 5 + 15, तो y का मान हो जाएगा y = -3। y बराबर दोस्तों अगर -3 आया, तो वो यही y का मान समीकरण थर्ड में बैठा देंगे, तो x का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर यही ना होगा। तो समीकरण थर्ड क्या है, x = 9 - 2y / 3 यही ना है,
तो x बराबर 9 माइनस 2 और y का स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस 3, यही ना हो जाएगा, बट्टा 3 क्या हो जाएगा, 9 माइनस माइनस 2 और माइनस 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 और बट्टा 3, यही ना हो जाएगा x बराबर। इसके बाद होगा x बराबर 9 6 15 हो गया ऊपर में, बट्टा में 3 तो 5 दिया 15 हो जाएगा, तो x बराबर 5 और y बराबर क्या आया था, माइनस 3। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से इसी प्रकार से हल किया जाता है समीकरण को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।